बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर दे ताकि आपको नई बारे में बात करेंगे। उस कंपनी का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसी ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है, जिसके क्लाइंट्स हैं। देखिए, अगर हम डोमेस्टिक क्लाइंट्स में देख रहे हैं तो अशोक लेलैंड, बजाज, स्कॉट्स, हीरो, JCB, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रॉयल इनफील्ड, टाटा, TVS एंड मैनी मोर, बहुत सारे हैं। और अगर हम मेजरली इंटरनेशनल क्लाइंट्स में देखते हैं इनके, तो BMW, फोर्ड, होंडा, KTM, कावासाकी, निसान, पियागो, टोयोटा, वॉक्सवैगन, यामहा और बहुत सारे। तो ज़बरदस्त ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है। और इसमें एक साल में अभी उसमें खास रिटर्न नहीं है, लेकिन पिछले एक दो साल में, तीन साल में, पाँच साल में, दस साल में इसमें ज़बरदस्त बेहतरीन रिटर्न है। तो इस तरीके से, क्योंकि ऑटो सेक्टर ही पूरी तरह धाराशाही है, तो इन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि उन्हीं कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। और चलिए हम इसके फाइनेंशियल भी देख लेते हैं, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स किस प्रकार के रहे, फिर और इसमें बात करें कि आने वाले भविष्य में क्या हमें अच्छा रिटर्न मिल पाएगा इस कंपनी में। तो यहाँ पे हम क्वार्टर फोर के फाइनेंशियल ईयर 2019 Q4 के रिजल्ट्स देख रहे हैं। दिसंबर 18 से अगर हम मार्च 19 में कंपेयर कर रहे हैं नेट सेल्स में, तो 1470 करोड़ दिसंबर 18 में थी और मार्च 19 में हो गए 1486 करोड़, यानी 1.11% की अपसाइड है, जो कि अच्छी बात है। और वहीं हम लोग सब कुछ लेने देने के बाद जो नेट प्रॉफिट इनको बचता है क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो 69 करोड़ के आसपास, और मार्च 19 में हो गई 73 करोड़, यानी कि ग्रोथ है और अपसाइड है, 5.98% की अपसाइड। और मार्जिन में भी इनको जो है करीब करीब इन्होंने मेंटेन कर लिया है, 0.20% की अपसाइड है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, तो मार्च 18 से जब मार्च 19 में हम कंपेयर करते हैं, तो नेट सेल्स जो मार्च 18 में थी 1370 करोड़, तो मार्च 19 में ऑब्वियसली 1486 करोड़ है, तो यहाँ पर भी अपसाइड है, 8.43% की अपसाइड। लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इनको डाउनसाइड है, जहाँ मार्च 18 में थी 135 करोड़ के आसपास, वहीं हो गई 73 करोड़ रह गई, तो यहाँ पे 45% के आसपास यहाँ डाउनसाइड दिख रहा है, जो कि इनके ईयर ऑन ईयर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और मार्जिन में भी देखिए, मार्जिन मेंटेन कर ले गए 0.11% के, तो ये थोड़ी सी एक राहत वाली बात है फिलहाल। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्राइस पे अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है, तो मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आज है 18 जून 2019 और 329 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। समय हो रहा है 12 बजे हैं, और 52 वीक लो था 260 रुपये और हाई था 459 रुपये के आसपास। और इसकी जो मार्केट कैपिटल है 8794 करोड़ और फेस वैल्यू 2 की रह गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए, 1 ईयर रिटर्न इसमें सिर्फ 23% का नेगेटिव में दिखा रहा है और 6 मंथ में भी कोई रिटर्न नहीं है। पी रेशियो अगर हम देखते हैं 30 की है, EPS है 10.89, प्राइस टू बुक है 5.08 और डिलीवरी भी शानदार दिख रही है, 79 करीब करीब 80% के आसपास है। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, साल में 2 दफ़ा ये डिविडेंड पे करता है, और पिछले साल तो बोनस भी दिया था इसने, जिसके पास 1 शेयर थे उसको 2 शेयर्स हो गए हैं। तो अगर हम रिटर्न देख लें, एक झलक देख ही लेते हैं 5 सालों के और 10 सालों के, तो यहाँ पे अगर हम रिटर्न कैलकुलेटर में आते हैं, तो इफ़ आई हैड मेड, मतलब अगर आपने लमसम 1 लाख रुपए लगाए मिंडा इंडस्ट्रीज़ में, तो 60 महीनों में यानी 5 सालों में आपको मिलते हैं 1668% के शानदार रिटर्न, जो कि आपके 1 लाख हो चुके हैं 17,68,201 करोड़। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये आपको डेटा बता रहा है कंपनी का। और 3 सालों में हो गए हैं आपके 1 लाख रुपए 4,24,000, यानी 324% के शानदार रिटर्न मिले हैं। लेकिन 12 मंथ में यहाँ पे 22% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न हैं 1 साल में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कंपनी कुछ ऐसी होती हैं जो शानदार कंपनियाँ होती हैं, जिनमें जान होती है, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी, जिनका ROC, जिनके नेट सेल्स, जिनका नेट प्रॉफिट अच्छा होता है, तो अच्छा रिटर्न बना के देखती हैं। और इस कंपनी कितने ज़बरदस्त क्लाइंट्स जिनके लिए काम करती है, जिसकी ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, पार्ट्स बनाती है। तो अभी फ़िलहाल पूरे ऑटो सेक्टर में ही इतना ज़बरदस्त भूचाल आया हुआ है कि सभी दबे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, चाहे अशोक लेलैंड ले लीजिए, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ले लीजिए, चाहे टाटा ले लीजिए।
तो अब उन्हीं के लिए तो ये काम करती है, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट्स ये बनाती है। जब वो ही नहीं, उनकी नेट सेल्स नहीं ज़बरदस्त होगी तो इनकी भी मांग थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसलिए भी एक अच्छी बात है कि इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, तो इनको कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो फिलहाल अब हम 10 सालों के रिटर्न भी देखेंगे कि 10 साल में कितने परसेंट का रिटर्न इन्होंने दिया है। 10 साल में देखिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3272% के रिटर्न है। मतलब आपका 1 लाख रुपए हो गया 32 लाख, 33 लाख समथिंग। तो रिटर्न वाइज शानदार है, बोनस भी देती है, डिविडेंड भी देती है, और एक अच्छी कंपनी है। मिंडा इंडस्ट्रीज़ में जो लोग बने हुए हैं वो बने रहें, किसी भी गिरावट में बेचे नहीं, और जो नई बाइंग की तलाश में है कि अगर इस कंपनी में हमें क्या ख़रीदारी और करनी चाहिए, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लंबा है कि हमें आने वाले समय में पिछले 10 साल या पिछले 5 साल या पिछले 3 सालों से ऐसा रिटर्न चाहिए, बोनस भी चाहिए, डिविडेंड भी चाहिए, तो ज़रूर बने रहें इस कंपनी में, और थोड़ी सी ख़रीदारी भी थोड़ी थोड़ी करते रहें। क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी जैसे मदरसन सुमी, वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, वो भी बहुत टूट चुका है, और जमुना ऑटो एंसिलरीज, वो भी कंपनी एक ज़बरदस्त है, वो भी बहुत गिरावट में है। तो काफ़ी गिरावट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हमें जो इस समय मिल रही हैं उनमें हमें ध्यान देना चाहिए। आइए हम एक बार डेट भी देख लेते हैं कि क्या कंपनी में कोई कर्जा वर्जा नहीं। तो कर्ज़े की स्थिति देखते हैं, टोटल डेट है 364 करोड़, तो मुझे लगता है कोई विशेष कर्जा नहीं है इन पे, इतना तो चलता ही है। और अगर हम डिविडेंड देख लें यहाँ पे, हाँ तो देखिए साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देती, चाहे 2000 चाहे 2000 हाँ 2015 में भी 2 दफ़ा दिया, 16 में भी 2 दफ़ा दिया, इंटरिम एंड फाइनल 17 में भी 2 दफ़ा दिया, 18 में भी 2 बार दिया, और 19 में भी 1 बार दे चुकी, 1 बार और फाइनल डिविडेंड देंगे। तो इस तरीके से ज़बरदस्त डिविडेंड भी पे कर रही है, और लास्ट ईयर बोनस भी दिया था। तो कंपनी के काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं जैसे कि अभी हमने देखे, और ग्रोथ है इस टूटे हुए मार्केट में भी, क्वार्टर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक लेने या बेचने से पहले अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें। हमारा काम था एक इन्फॉर्मेशन देना एक अच्छी कंपनी के बारे में, बाकी आप अपने स्टडी भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।